और मैं हूँ यास्मी। करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल बीते कई दिनों से सुर्खियों में छाई हुई है। जहां एक तरफ इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से बेकार रिएक्शंस मिले हैं, वहीं इस फिल्म पर भारतीय वायुसेना ने गलत छवि पेश करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर कई दिनों से विवाद भी चल रहा है और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। अब खबर आई है कि नेटफ्लिक्स फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में भारतीय वायुसेना की छवि को खराब तरीके से दर्शाया गया है। जस्टिस राजीव शक्कर ने केंद्र से पूछा है कि ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज होने से पहले उसने अदालत से संपर्क क्यों नहीं किया और कहा कि अब इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि फिल्म पहले से ही स्ट्रीमिंग है। वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा था कि फिल्म ने भारतीय वायुसेना की छवि को धूमिल किया क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया है कि बल में लैंगिक भेदभाव होता है, जो सही नहीं है। हाईकोर्ट ने फिल्म का निर्माण करने वाली धर्म प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और नेटफ्लिक्स से फिल्म की स्ट्रीमिंग को रोकने के लिए केंद्र की याचिका पर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि उसका ये विचार है कि फॉर्मर फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को भी मुकदमा दायर करने के लिए एक पक्ष बनाया जाए और उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाए। अब हाईकोर्ट इस मामले की 18 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा। बताते चलें कि फिल्म को 12 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। फिल्म में गुंजन सक्सेना का किरदार जाह्नवी कपूर ने निभाया है और गुंजन के पिता का किरदार पंकज त्रिपाठी ने निभाया है। इसके अलावा फिल्म में अंगद बेदी भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए हैं।